देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है। ऐसे मुश्किल दौर में कुछ लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसी ही एक कहानी दक्षिण भारत से सामने आई है। कोरोना मरीजों के लिए बेड, दवाओं की सुविधा, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम और जांच करती डॉक्टर। ये तस्वीरें हैदराबाद की एक मस्जिद की हैं, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना मरीजों की मदद के लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन नाम के एनजीओ की पहल पर हैदराबाद में मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस को 40 बेड के अस्पताल में बदल दिया गया है। अस्पतालों की भीड़ को देखते हुए यहाँ कोरोना के कम और मध्यम लक्षण वाले मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट और उनके ट्रीटमेंट्स के ताल्लुक से और उनके जो भी सहूलियात हैं उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मरीजों की तबीयत बिगड़ती है तो अस्पताल भेजने के लिए मस्जिद में एक एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। महामारी के इस दौर में मानवता की मिसाल पेश करती ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं। ABP News आपको रखे आगे।